बैंग हुआ। अब बिग बैंग क्या होता है पता होगा, किसी किसी को नहीं पता होगा। सो बेसिकली हुआ क्या, यूनिवर्स बड़ा बना दिया, इससे भी छोटा था। देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सिंगुलैरिटी, इसको डॉट मत समझना। इसके पास इनफाइनाइट मास और इनफाइनाइट डेंसिटी है, ये छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो धीरे 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 एक्सपांड हुआ, स्टार्टिंग में बच्चों यूनिवर्स बिलियन डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर था उसका। आज कितना है, 40 डिग्री नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उस टाइम में बिलियन डिग्री टेम्परेचर था। अब बिलियन आई होप तुम समझते हो कितना है, थाउजेंड नहीं बोल रहा हूं मैं बच्चों, लाखों भी नहीं बोल रहा मैं, ना मैं बिलियन बोल रहा हूँ, मैं बिलियन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब धीरे 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 यूनिवर्स कूल हुआ, कूल हुआ, कूल हुआ, धीरे 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 बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। जैसे तुमको क्या पता है, अब तक प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा एक टॉपिक है केमिस्ट्री में तुम्हारा, रेडियो एक्टिविटी, तब मैं इसके अंदर जाऊंगा। तुमने अब तक क्या सुना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एक एटम होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये तुमने सुना हुआ है। लेकिन ये आइडिया इनकम्प्लीट आइडिया है, ये पूरी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर भी पार्टिकल्स होता है, ये प्रोटॉन भी बना होता है किसी से। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है उसके पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा था, तो एक दूसरे से पार्टिकल कोलाइड कर रहे थे, एकदम गर्मा गर्मी का माहौल था, सब भिड़ रहे थे एक दूसरे से। तो धीरे 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 पार्टिकल्स कोलाइड किए, तो वहां पर फिजिक्स यूज हुआ। सो सबसे बेसिक साइंस अगर तुम बोलोगे तो फिजिक्स है। फिर धीरे 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 वो पार्टिकल्स मिले, कंपाउंड्स बना, फिर मीथेन, प्रोटीन्स, वो सब बने, लाइफ आई, तो वो सब चलता गया। तो मैं बायोलॉजी में तुमको बताऊंगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन करके टॉपिक है पूरा 12th में, तब इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना बच्चों, जैसे 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 एटम्स बनने शुरू हुए, पार्टिकल्स बनने शुरू हुए, केमिस्ट्री भी आना शुरू हो गई। केमिस्ट्री को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ साइंसेस, या केमिस्ट्री को हम बोलते हैं सेंट्रल साइंस। अब ये क्वीन ऑफ साइंस, सेंट्रल साइंस क्यों बोलते हैं, तो वो सब हम डिटेल में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन बिना केमिस्ट्री के बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुकर में जब खाना बनता है तो वहां पर भी केमिस्ट्री यूज होता है। तुमको पता है एक चीज अच्छे से, एकदम सिंपल तरीके से, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगेन दैट इज एन आफ्टरमैन। 9th-10th में चल जाती थी ये बातें, अब ये बातें बचकाना लगने लगेगी तुमको, क्योंकि वाटर जो है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं करता, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है अलग अलग टेम्परेचर पे। तुमको आज तक सुनते आए वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, तुम खुश, मैं खुश, आइस मेल्ट्स 0 डिग्री सेल्सियस, सब खुश, मैं खुश, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लेकिन बच्चों ये इनकम्प्लीट बात है, इस बात से हैरान मत होना। अगर मैं फ्यूचर में तुमको जाके बोलूं अगर मैं कुकर रख दूं माउंटेन के ऊपर, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगी। अब ऐसा क्यों होगा, वो तो सिलेबस के दौरान तुमको बहुत अच्छी तरह से समझेगा। तो ये कुछ चीजें तुमको देखने मिलेगी। अब क्योंकि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर मुझे और फिजिक्स की बात और थोड़ी केमिस्ट्री की बात मुझे करनी पड़ेगी। तुम जब ऊपर चढ़ते हो माउंटेन एरियाज में या कुछ चढ़ते हो, तुमको एक सर्टिफिकेट साइन कराते हो लोग, कि भाई एक बार तुम ऊपर चले गए तुम्हारी जिम्मेदारी हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं। उत्तराखंड में तुम जाते हो जब, तो वहां पर वो साइन कराते हैं। अब क्यों साइन कराते हैं वो भी तुमको केमिस्ट्री बताएगा। ऐसा होता है बच्चों, एक बेसिक साइंस में तुमको बात करूं तो, जैसे तुम ऊपर ऊपर जाते हो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है बच्चों, तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी का संवाद, अगर एनर्जी की प्रॉब्लमेटिक होगी तो बहुत सारी दर्द चीजें भी होगी। तो वो क्या होगी मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी। वो मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं अपना अपने बॉडी में फाइटिंग मैकेनिज्म्स कम हो जाती है, तो ऐसे लोग मरे भी है काफी बच्चों। उसके बाद जो स्कूबा डाइवर्स होते थे उनको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं था, इसके लिए वो परेशानी उनको सहन करनी पड़ती थी। और वो क्या परेशानी थी, क्या थी, वो सभी मैं तुमको बताऊंगा। उसके बाद फिर पानी में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेयर आइस की लेयर बन जाती है, ठीक है, तो फिर एक्वेटिक लाइफ कैसे सर्वाइव करते हैं वो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा पूरा दिनचर्या, तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, अब तुम्हारे जो ब्रश होता है, तुम्हारा जो वो दातन होता है, कॉलगेट होता है, उसमें फ्लोराइड आयन्स होता है।
बिना इसके अपटूट डीके से प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब जब ये तुम पढ़ोगे तब तुम कॉन्सेंट्रेशन भी पढ़ोगे कि फ्लोराइड आयन्स का एक क्वांटिटी होना चाहिए, अगर उतने में वो प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, जिंदगी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन अगर ये ज्यादा प्रेजेंट है तो तुम्हारे दांतों को खराब कर सकती है। अगर उससे ज्यादा मात्रा में इसके ले लूं तुम्हारे दांत तो खराब होंगे ही, तुम्हारी बाकी चीजें भी खराब होने शुरू हो जाएगी, तुम मर भी सकते हो। तो ये खेल है केमिस्ट्री की कॉन्सेंट्रेशन का। अच्छा ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई, जब बीमार पड़ते हो हॉस्पिटल में जाते हो तो इंसुलिन की बॉटल चढ़ती है। अब इंसुलिन की मात्रा, वो सॉल्ट की मात्रा तुम्हारे ब्लड के प्लाज्मा से मैच करनी चाहिए, कम भी नहीं चलेगा ज्यादा भी नहीं चलेगा। ये खेल है केमिस्ट्री का। अब ये सब कौन डिसाइड करता है? कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करता है। अब ये सब क्या है मैं बताऊंगा, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, पहले मैं तुमको बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ केमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद ये सब तो नॉर्मल बातें हो गई ठीक है इधर उधर की। वो कुल्फी वाला नमक क्यों लगाता है, वो कुल्फी वाला नमक क्यों लगाता है? उसके बाद तो रेफ्रिजरेटर रहता नहीं है तो वो नमक लगाता है, नमक क्यों लगाता है आखिर, तो वो भी हम जानेंगे। पेट्रोल डीजल का एक्सट्रैक्शन भी हम जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि टीवी देखते हो तुम, एलसीडी होती है आजकल नॉर्मली, तो उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, उसके पीछे ऐसा क्या है? तुमको कलर दिख रहा है पूरा अलग अलग, तुमको लोग दिख रहे हैं, ये क्या बात है? ये तो बहुत भयंकर बात हो गई, क्योंकि लोगों ने 200 साल पहले तुम बोलोगे तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो तुम अब टीवी देख, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, वापस केमिस्ट्री है। तुम नहाने जा रहे हो तो तुम एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हो। किसका इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हो? बाल्टी में गर्म पानी कितना होना चाहिए, कितना ठंडा होना चाहिए, तुम उसको बैलेंस करते रहते हो। तुम केमिस्ट्री वापस भी यूज कर रहे हो, ओके? उसके बिना केमिस्ट्री, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तुमको एक नॉर्मल पर्टिकुलर पानी चाहिए, अच्छा गर्म हो रहा है, ठंडा डाल दिया, ज्यादा ठंडा हो गया तो वापस गर्म कर दिया, तो वहां पर वो बैलेंस जो तुम करते हो भी केमिस्ट्री है। अच्छा तुम गीजर यूज कर रहे हो, वहां पर भी केमिस्ट्री काफी यूज होता है। अच्छा ये हो गया, तुम बाहर आ गए, टॉवेल जो तुम यूज कर रहे हो वहां पर भी कुछ हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वैसे के वैसे। प्लास्टिक यूज कर रहे हो तुम प्लास्टिक की थैली यूज कर रहे हो तो वहां पर भी तुम केमिस्ट्री यूज करते हो। पॉलीमर्स तुम लोग पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, वहां पर तुम वो यूज करोगे। अच्छा भैया ये सब हो गया, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब तुम घर से बाहर निकलोगे वहां पर भी हर जगह वो केमिस्ट्री दिखेगी दिखेगी। इसीलिए केमिस्ट्री को हम बोलते हैं सेंट्रल साइंस, इसीलिए हम केमिस्ट्री को बोलते हैं क्वीन ऑफ साइंसेस। ऐसा एक जगह नहीं है बच्चों दुनिया में जहां पर हम केमिस्ट्री यूज नहीं करते हैं। अब हम कोविड कोरोना ये के महामारी से गुजरे हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन ये सब प्रोडक्शन, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी केमिस्ट्री का बहुत, ये फार्मालॉजिकल इंडस्ट्रीज, ड्रग इंडस्ट्री, ये सब भी केमिस्ट्री के ब्रांच में ही आती है बच्चों। इसीलिए केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तुम देखते हो अलग अलग दवा कोविड की वगैरह वगैरह, पहले वो दवा को मैप करना पड़ता है, सीक्वेंस करना पड़ता है कि अच्छा दवा कैसी दिखती है, किस तरह से दिखती है, तो ये सब बातें भी केमिस्ट्री के तहत ही आती है तुम्हारी। तुम डरो मत, मैं जो बातें बोल रहा हूँ तुम खाली सुनो, मजे लो केमिस्ट्री के, बताऊंगा ना बच्चों आएगा सिर्फ। देखो एक ही बात, यही तो बातें हैं, ये आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ड्रग क्या होता है, ड्रग एक्शन कैसे करता है, मैकेनिज्म कैसा है, सब तुम पढ़ोगे। इवन बायोलॉजी जिन्होंने लिया उनको तो हार्मोन का भी डिटेल में आएगा एकदम, हार्मोन एक्शन कैसे करता है, ठीक है। तुम जब प्यार में होते हो तो हार्मोन रिलीज होता है, तुम जब दुखी होते हो तो हार्मोन रिलीज होता है, तो ये सब बातें भी तुम पढ़ोगे, तो ये सब मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सब केमिस्ट्री के तहत ही आता है, तो ये सब बातें तुमको जाना जरूरी था। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं बट वो सब बताऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे। अब थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, ओके? अब टॉपिक पे आते हैं। अब केमिस्ट्री होती क्या आखिर, पढ़ना क्यों इसको, इसकी ब्रांचेस क्या क्या होती है, और 11th 12th में तुमको कैसे अप्रोच करना है केमिस्ट्री में, थोड़ा जानेंगे इसको। डेफिनेशन में लिखकर आया हो और मैं तुमको हाईली सजेस्ट करूंगा, रटो मत इसको, मैं खुद भी नहीं रटता, मैं तुमको भी सजेशन नहीं दूंगा, रटो इसकी। बट हाँ अगर तुमको कॉलेज बोर्ड की एग्जाम लिखनी है, कॉलेज की एग्जाम लिखनी है, तब तुमको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं तुमको बता दूंगा कितना कितना पढ़ना है। सो बेसिकली केमिस्ट्री क्या होती है, इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल। सो आप मैटर की पढ़ाई कर रहे हो, कोई चीज कैसी है, कितनी है, कम है, ज्यादा है, उसके अंदर क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सब जो चीजें आती है ये हम केमिस्ट्री के तहत पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हमारे पूरे सिलेबस में मेन तीन ब्रांचेस है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक और ब्रांच है जो काफी अनपॉपुलर है बच्चों के बीच में, लेकिन वो बहुत जरूरी है, एनालिटिकल केमिस्ट्री।
और भी होता है तहत, लेकिन ये मेन अपने सिलेबस में इतना इनफ करेंगे। तो केमिस्ट्री के बच्चों चार ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल। इतना लिख लो। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या क्या है, वो तो मैंने तुमको बता दिया, सब बता दो बच्चों। फिजिकल का मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, एनालिटिकल मतलब क्या होता है, लिखो बच्चों। फिजिकल में हम पढ़ेंगे अलग अलग लॉस, अलग अलग प्रिंसिपल, मैटर के अंदर क्या क्या होता है, तो वो सब हम फिजिकल के तहत पढ़ेंगे, फिजिकल के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे कार्बन को रिलेटेड चीजें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसके प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, किस तरह से हम कार्बन को बनाया करते हैं। बच्चों हमारे पीरियोडिक टेबल अगर तुम देखोगे तो वहां पर काफी काफी एलिमेंट्स है, कम से कम 120 118 तो अपने डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा अलग सा एक बुक, एक अलग से पूरा सब्जेक्ट हम देते हैं इस बंदे को, ऑर्गेनिक को। ऐसा इसमें क्या है बच्चों, कार्बन अगर मैं बात करूं अपने आप में काफी विशेष टॉपिक है। कैसे विशेष टॉपिक है बच्चों, देखो तुम समझो मेरी बात, हम इंसान काफी ऐशान फरामोश लोग होते हैं, जो हमारे काम की चीजें होती है हम उसको देखते हैं। तो कार्बन ऐसा कंपाउंड है जो लिविंग में काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बन है, हॉर्मोन्स का कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियसली वो लिपिड्स तो होते ही लेकिन कार्बन भी होते हैं वहां पर। उसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स कार्बन से बने होते हैं, पेट्रोल डीजल कार्बन से बने होते हैं, कॉटन फाइबर कार्बन से बने होते हैं। तो तुम्हारे जीने के लिए जो जितनी भी व्यवस्था है या चीजें हैं उनका काफी काफी अधिकांश हिस्सा कार्बन से बना होता है, इसीलिए हम उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। और ऐसा इसको डिटेल में क्यों पढ़ते हो, उसके अंदर भी तुम पढ़ोगे कि कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है, कार्बन में से क्या विशेषता है कि कार्बन को अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है हमको। तो काफी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। देखो ऐसा कहा जाता है ना कि कार्बन इज अ लाइफ मॉलिक्यूल, तुम एक बेसिक चीज समझो, पहले स्टार्टिंग में क्या था, एटम्स थे, कंपाउंड्स बने, लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो गया। हम सुन सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हमारे पास इमोशंस, ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब एटम से बने हुए हैं और एटम्स तो नॉन लिविंग होता है, तो हम कैसे लिविंग है, ऐसा क्या है हमारे में कि मैं देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, सोच पा रहा, बता पा रहा हूं। इसका आंसर कोई देगा, इवन सेल भी एटम से बना होता है, अपने बॉडी के जो सेल्स है वो भी एटम से बने होते हैं। ऐसा क्या है, अब मैं तुमको इसका आंसर देता हूं, ये बात साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि व्हाट मेड नॉन लिविंग इनटू लिविंग। दे से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस एंड ऐसा बोला जाता है बच्चों कि कार्बन कुड बी अ लाइफ मॉलिक्यूल, कार्बन कुड बी अ मॉलिक्यूल विच क्रिएट्स लाइफ, ऐसा कहा जाता है। अब इस बात में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, वो तो रिसर्च के तहत ही मालूम पड़ेगा, लेकिन कार्बन एक लाइफ मॉलिक्यूल है ये तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि बिना कार्बन के हमको जीना मुश्किल है, नामुमकिन है। बच्चों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन के कंपाउंड्स तो पढ़ते ही है, लेकिन जो बाय कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, वो सब हम ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ेंगे, वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक मतलब क्या, अदर देन ऑर्गेनिक, अदर देन कार्बन। तूने पढ़ा पीरियोडिक टेबल बच्चों, पीरियोडिक टेबल देखा है, कुछ अजीब सा होता है पीरियोडिक टेबल, देखा है कुछ, देखा पीरियोडिक टेबल, हाँ जो भी कुछ है अपने भी समझ लो, देखा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट कार्बन है, बाकी सब एलिमेंट अदर देन कार्बन है। तो उसकी पढ़ाई हम इनऑर्गेनिक में करेंगे, उसका प्रिपरेशन, उसका मेथड है, जो भी कुछ है, ऐसा है वैसा है, ऐसा होता है एक्चुअल में, ऐसा एक्चुअल में होता है, कैसी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो बच्चों तो ये तो ठीक है, वो जब हम पीरियोडिक तुम्हारे 11th में सिलेबस में पीरियोडिक टेबल उसको हम देखेंगे डेफिनेटली डिटेल में, लेकिन फंडा ये नहीं, फंडा ये है कि ऑर्गेनिक एक कंपाउंड की पढ़ाई हम ऑर्गेनिक में कर रहे हैं, बाकी सब की सब पढ़ाई हम इनऑर्गेनिक में कर रहे हैं, कितनी ना इंसाफ, ये सोचो।
ठीक है, फिजिकल समझ लिए, इनऑर्गेनिक समझ लिए, ऑर्गेनिक समझ लिए, अब एनालिटिकल क्या होता है? इट इज मोर ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट इज मोर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इट इज मोर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कोई चीज कितनी प्रेजेंट है, एंड क्वालिटेटिव मतलब क्या प्रेजेंट है, क्वालिटी उसकी कितना है, कैसा है। तो कितना है दैट इज क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स। क्वालिटेटिव मतलब क्या, कैसा है वो, किस तरह से है। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके ऊपर भी एक चैप्टर है, वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। इतना लिख लो बच्चों, नहीं नहीं नहीं, एनालिटिकल इज एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों, एनालिटिकल इज एक्सपेरिमेंट्स, 110% एक्सपेरिमेंट्स। केमिस्ट्री देखो बच्चों, एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, इन साइंस अ थ्योरी डजंट हैव एनी वैल्यू अनलेस एंड अंटिल इट पासेस द टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल अ थ्योरी इज, मैं कल जाके बोल दूं कि मैं उड़ सकता हूँ, कल जाके मैं बोल दूं मैं अमर हूँ, बट अनलेस एंड अंटिल आई डोंट प्रूव इट, इट डजंट मैटर, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। सो इन साइंस बोल बच्चा नहीं चलता, फिलोसफी नहीं चलती, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नो मैटर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना भी अच्छा क्यों ना लगे कानों को सुनने के लिए, लेकिन वो दिल तक समा नहीं सकता जब तक वो एक्सपेरिमेंट्स की बात हम करें नहीं। तो साइंस वो बिना एक्सपेरिमेंट की चीजें नहीं होती बच्चों। तो बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से ही की जाती है बच्चों, बिना एक्सपेरिमेंट के किसी भी चीज को आप अलाउ कर ही नहीं सकते, याद रखना। आई होप ये क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो बिना एक्सपेरिमेंट्स के कोई भी चीज को मानना ना ही सिर्फ पार्प है, मूर्खता भी है। अच्छा बच्चों, थोड़ा अगर इसकी बात कर ही रहा हूं मैं, तो मैं साइंस की बात कर ही रहा हूं, तो मैं सूडो साइंस की बात कर लेता हूं। साइंस और सूडो साइंस दो दुश्मन है। सूडो साइंस मतलब एवरीथिंग विच इज नॉट साइंस। हमारे न्यूटन भाई साहब जब वो भी क्वारंटीन में थे 4 साल के लिए, जब प्लेग फैला था, उन्होंने महान महान डिस्कवरियां की थी और क्या क्या की थी, वो तो तुमको पढ़ना ही है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तुम चैप्टर पढ़ोगे ग्रेविटेशन तो तुम, तब तो मैं बताऊंगा तुमको। लेकिन बच्चों, हमारे न्यूटन साहब अपनी जिंदगी के 20 साल स्यूडो साइंस में चले गए थे। कभी सुना एल्केमी के बारे में? कॉपर है या कोई मेटल है, उसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको हम एल्केमी बोलते हैं। न्यूटन भाई साहब को लगा ये सच बात है, लेकिन ये कुछ नहीं बल्कि ये प्रूव हो चुका है कि सूडो साइंस है। सूडो साइंस मतलब क्या, जो भी कुछ तुम क्लेम कर रहे हो पर उसको प्रूफ नहीं है। बच्चों, भूत प्रेत भी सूडो साइंस के अंदर ही आते हैं, आत्मा भी सूडो साइंस ही है। जो भी चीज प्रूफ नहीं है वो सूडो साइंस के तहत ही आती है, मेरी बात को याद रखना। तो भी सूडो साइंस मैनेज हुआ, हमारा कॉन्शियसनेस प्रूफ नहीं हुआ है। बिल्कुल वो नहीं हुआ है, लेकिन जो अपन के अपने डेफिनेटली, बट जो हो रहा है, जैसे ब्रेन है, ब्रेन में एक्टिविटीज कर रहे हैं अपन अलग अलग, तो अपने को पता है कि भाई ये एक्टिविटी इधर है, ऐसी है, ये है, तो ये सब चीजें अपन पता कर सकते हैं, तो वो पढ़ रहे हैं अपन। लिविंग बींग कहाँ से आया, क्या से आया, तो क्वेश्चन तो लॉन्ग लॉन्ग बैक हमने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि हमको तो वो चीज का आंसर मिल ही नहीं रहा ना, हम खोज कर रहे कर रहे, मिल ही नहीं रहा, लेकिन जो हमको समझ सकते हो तो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना क्लियर है सब लोगों बेटा, इतना क्लियर है? हाँ। इतना क्लियर है? हाँ। तुम लोग आवाज बहुत कम आ रही है, ठीक है, नहीं इसकी बात नहीं। चलो बच्चों, अब हम ये तो बहुत बातें हमने कर ली, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें। अब थोड़ी सी हम चालू करते हैं अपना टॉपिक, बेसिक टॉपिक चालू करते हैं आज। ये कैसी दुविधा है कि हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सबसे पहले चीज हमको पढ़नी है वो मैटर के बारे में। बच्चों, तुमको अच्छे से पता है मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास, मतलब ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तुम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, तुम सब के सब
मैटर करते हो क्योंकि तुम क्या करते हो, स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, तुम्हारे पास मास है, बराबर कि नहीं? तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनके पास मास है और जो ऑक्यूपाई करते हैं कोई स्पेस, जिनकी कोई वॉल्यूम होती है, वो बच्चों कहा जाती है वो मैटर है, बराबर कि नहीं? अब समझने की कोशिश करना, मैटर को मैं दो तरह से क्लासीफाई करता हूँ। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, बच्चों ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुमको ये लिखना है, तुमको अवश्य लिखना है। और दूसरा जो मैं कहता हूँ वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोग को बहुत सी चीजें समझनी है, जो भी बेसिक बेसिक चीजें तुमको पढ़ाऊंगा तुमको अच्छे से आनी चाहिए बच्चों, कि बेसिक पढ़ाऊंगा तभी तुम एडवांस कर सकते हो चीजें। उसके लिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आज, एकदम बेसिक से, तुम्हें जो 9-10 में भी पढ़ा होगा बच्चों। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या, जिसको तुम ताड़ सकते हो और बता सकते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 states ऑफ मैटर, तो और भी आ गए हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 3 आउटडेटेड है अभी तो, हाँ और भी आ चुके हैं, प्लाज्मा चौथा, पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सॉलिड लिक्विड गैस, तुम बहुत सुने हो बच्चा आज तक, प्लाज्मा एकदम एकदम गर्म चिंगारियां निकलती है गर्मा गर्म, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट काइंड ऑफ, बोस आइंस्टाइन मतलब कूलेस्ट थिंग ऑन द यूनिवर्स, एकदम कूलेस्ट। तो इसके बारे में तो मैं डिटेल में ज्यादा बात करूंगा अगर सिलेबस में तुम्हारा आएगा तो, फिलहाल के लिए ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। सॉलिड लिक्विड गैस, अब तुमको पता चल सकता है अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो क्या होगा बच्चों, सॉलिड, थोड़ा सा दूर है अगर वो लिक्विड, और बहुत दूर है तो गैस। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन, इसमें तुम्हारा डिटेल में ऑब्वियसली बैठ गई पूरा बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम लोग, किसी चिल्ला के बोलो, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, इधर तक सब ठीक है, चीजें ठीक थी, तुमको स्कूल में भी पढ़ा है, तुम 12th में तुमको पढ़ा चैप्टर है सॉलिड के ऊपर, 11th में ही है, ठीक है, तो इसमें डिटेल में अपन पढ़ेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज, तुमने पढ़ा ना पीवी कोड एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर, तो ये सब चीजें हैं, ये क्या है इसका मतलब बताएंगे ना, तो ये फॉर्मूला लिस्ट में मेंटेन हो जानी चाहिए बच्चों। चलो ये 12th में पढ़ेगा सॉलिड, 12th का सबसे पहला चैप्टर ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट अपना है केमिस्ट्री में आता है, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है वो भी, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे डेफिनेटली बाद में। अब केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं काफी विशेष प्यार करता हूँ, क्योंकि ये मेन चीजें तुमने, तुमको पता होती है पर तुम फिर भी मिस्टेक करते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर। केमिकल क्लासिफिकेशन बच्चों तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्योर होता है, ठीक है, एक तो प्योर सब्सटेंसेस कहा जाते हैं हम जिसको, दूसरे को हम प्यार से बोलते हैं मिक्सचर्स। अच्छा प्योर सब्सटेंसेस क्या होती है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होती है भैया, मेरा दिल प्योर है, मेरा दिल प्यार एकदम सॉफ्ट है, प्यारा है, उसको हम प्योर नहीं कहेंगे बच्चों, ठीक है, हम प्योर किसको कहेंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, जो पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। हाँ सो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है जिसकी हम डिटेल में चर्चा करने की अगर कोशिश करते हैं बच्चा, तो मेरे साथ हो सब लोग, ऐसी चीजें वो कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, and it cannot be separated by physical means, cannot be separated by physical means, bata to matlab kya hai iska, iska matlab bata dunga main, actually jagah thodi kam pad jayegi yahan par, tumhare jo pure substances hote hain wo teen prakar ke hote hain, to niche likhna tum log elements, likh lo bachcha itna, isko niche likhna hai jagah thodi kam hai, तीन मैं तुमको दो में डिवाइड करूंगा, एलिमेंट्स कंपाउंड्स। बच्चों एलिमेंट्स मतलब क्या, जो बेसिक एकदम फंडामेंटल है,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बार है, ये गोल्ड बार है, गोल्ड बार में एकदम समझो ये प्योर गोल्ड एकदम, तो इसमें किसके एटम्स होंगे? गोल्ड के एटम्स होंगे 24 कैरेट फॉर एग्जांपल। तो गोल्ड के एटम्स किसके होंगे? ये गोल्ड का सिंबल है, इसमें गोल्ड के एटम्स होंगे। तो बच्चा लोग अगर मैं एक गोल्ड के एटम को ले लूं तो उसको मैं और ब्रेक नहीं कर सकता और आगे काट नहीं सकता, तो ये फंडामेंटल हो गया एकदम। इसको मैं काटूंगा हर जगह से गोल्ड गोल्ड निकलेगा, गोल्ड की बौछारी निकलेगी यहाँ पर, बारिश निकलेगी, क्योंकि हर एक एटम गोल्ड का एटम है यहाँ पर, समझ रहे? तो ये प्योर हो गया एकदम, तो इसको हम बोलेंगे गोल्ड का एलिमेंट, समझ रहे हो? और ये इसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है एकदम, तुम कुछ कर नहीं सकते, गोल्ड है तो है भाई, प्योर एकदम, वो काट नहीं सकते और कुछ, काटा कुटी नहीं कर सकते आप, क्लियर है? गोल्ड को कभी कट नहीं सकता आप, क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो एक गोल्ड हो गया। अब तुम कुछ और भी ले सकते हो, कार्बन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, राइट? तो ये जो एलिमेंट्स है जो तुम पढ़ते भी हो पीरियोडिक टेबल में, वो सबके सब प्योर होते बच्चों, ठीक है? अनलेस एंड अंटिल ऑब्वियसली तुमको मिक्स करना पड़ता है, कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है, तुम 24 कैरेट गोल्ड बेचने जाओगे तो तुम्हें कोई खरीदेगा भी नहीं, एकदम ब्रिटल होता है, ठीक है? तुमको सब मिक्स करना ही पड़ता है, 24 कैरेट गोल्ड कभी बेच नहीं सकते, तो एकदम ब्रिटल, एकदम ब्रिटल, एकदम एकदम ब्रिटल होता है, ठीक है? इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन, जैसे गोल्ड हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब प्योर फॉर्म में है, इसको हम एलिमेंट्स कहेंगे, इसको हम तोड़ नहीं सकते टुकड़ों में। अब कंपाउंड्स क्या होता है? जो दो या तीन एलिमेंट से बना होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इससे बना हुआ है कार्बन सिंगल एलिमेंट से प्लस ऑक्सीजन एटम से, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, इससे बना हुआ है, जिसको हम कंपाउंड कहेंगे, दो एलिमेंट से मिला होता है, एक प्रोपोर्शन में होता है, ये है ना? कार्बन का एक है, ये दो डायमोलिकुलर है, टू है, ओ टू है, ये कार्बन वन है, तो वैसा तुम कर सकते हो, तो इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, क्लियर है बेटा? ये क्लियर है बेटा? ये सबको क्लियर है बेटा? हाँ। ओके बच्चा, तो लिख लो एलिमेंट्स कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस, तुम्हारे तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स ही भरे हुए, भर भर के जम जम के, प्योरेस्ट सेम ही, ब्रेक कर नहीं सकते एटम को एकदम अंडर मॉलिक्यूलर, लिख लो बेटा ये। बच्चा लिख लिया इतना, इतना लिख लिया बेटा? ये जो मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, बच्चा लोग होमोजीनियस मतलब क्या? थ्रू आउट द सोल्यूशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पानी में एक काम कर देता हूँ, नमक डाल देता हूँ, हिलाता हूँ घोलता हूँ, तो घुल जाएगा पूरी तरह से, वो घुल जाएगा, वो इस तरह से घुलेगा कि तुम पहचान नहीं सकते कि भाई इधर पानी है, इधर सॉल्ट है, इधर पानी, इधर सॉल्ट है, एकदम घुला, एकदम घोल दोगे तुम, समझ रहे हो? तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, उसको तुम सेपरेट कर सकते हो बच्चों, मिक्सचर्स को तुम सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मीन्स, यू कैन सेपरेट बाय फिजिकल मीन्स, इसे जुदाई तुम कर सकते हो। अगर मैं सनलाइट में रख दूं तो पानी वेपरेट हो जाएगा और नमक रह जाएगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बच्चों, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में अगर मैं नमक डाल दूं पानी में, घुलाओ एकदम घुल दूं एकदम उसको, तो मैं पहचान नहीं सकता बच्चों कि नमक कौन सा है, पानी कौन सा है, वो घुल मिल जाएगा पूरी तरह से, वो तो फिजिकल चेंजेस है उसके, वो तो दिखेंगे, लेकिन तुम ऐसे तुम सेपरेट कर सकते हो उसको, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे, घुल मिल जाएगा एकदम। लेकिन अगर मैं सैंड डाल दूं सैंड पानी में, अगर मैं सैंड डाल दूं पानी में, सैंड इन वाटर, मिट्टी डाल दूं मैं, तेरी मिट्टी में गिल जावा, गुल बन के मैं हिल जावा, अब मैं तुमको पहचान ना सका। नॉन होमोजीनियस मतलब हेटरोजीनियस होता है, मतलब तुम पहचान सकते हो यहाँ पर, ठीक है?
सैंड एंड वाटर तो पहचान सकते हो भाई। हाँ भाई सैंड डाली हुई है, कुछ समझ रहा है भाई, कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? यस क्लियर है, क्लियर है। तो ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है? तुम एक बार रिवाइज कर लेना, इसको रिवाइज करना काफी जरूरी हो जाता है बेटा जिंदगी में। मैटर का क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तुमको पता होना चाहिए सब बातें। ये बेसिक वैसे तुमको स्कूल में भी पढ़ी हुई है, बट तुमको रिवाइज करना काफी जरूरी है मेरे लिए। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं भाग सकता हूँ, किसी और की प्रॉपर्टी है कि वो चल सकता है तेजी से, किसी और की प्रॉपर्टी है वो खा बहुत ज्यादा सकता है, किसी की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज्यादा सो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज करती क्या है, एक इंसान को दूसरे इंसान से डिस्टिंग्विश करती है, डिस्टिंग्विशेस, डिस्टिंग्विशेस वन थिंग फ्रॉम द अदर। अब तक स्कूल में तुम काफी पढ़ते आए हो, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज दैट फलाना ढिकलाना, लेकिन तुम कब से समझ नहीं पाए बच्चों प्रॉपर्टीज हम पढ़ते क्यों है। भैया एग्जाम में मार्क्स आने हैं, वो टीचर को इधर जो पढ़ा हमने एग्जाम पेपर में वॉमिट करना है, यस। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने का कारण क्या होता है कि हमको डिफरेंस मालूम पड़े। अच्छा NaCl ऐसे होता है, Na2CO3 ऐसा होता है, अच्छा ये ऐसा होता है तो उसको हम इस काम में यूज लगा सकते हैं, इस काम में हम उसको कर सकते हैं यूज। जैसे मेरी प्रॉपर्टी है कि मैं लोगों के दुख को दर्द को समझ पाता हूँ, अगर मेरे में प्रॉपर्टी है, और किसी और में ऐसी प्रॉपर्टी है कि दुख के दुख और दर्द को समझ नहीं सकता, तो मैं उसके पास डेफिनेटली नहीं जाऊंगा, वो थर्ड पर्सन मेरे पास ही आएगा, मेरी वो प्रॉपर्टी है। क्योंकि तो जो प्रॉपर्टी जिसकी जैसी होती है उसको मैं से यूज करा सकता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? yes. समझ रहे हो बेटा? yes. तो प्रॉपर्टीज होती है हमारे सिलेबस में, थोड़ा की प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। थ्रू आउट द सिलेबस तुमको यही सब महाभारत पढ़नी है, फिजिकल ग्रेविटी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना? आपको फिर पढ़ना है कलर क्या होता है किसी सॉल्यूशन का, अच्छा ग्रीन, अच्छा पिंक, किम्सन पिंक, सिम्पसन पिंक, ये पिंक, फलाना ढिकलाना, इतनी जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी, इतनी कलर का कुछ तो तुमको पढ़ना है। फिजिकल में ही आता है, केमिकल में तुम रिएक्शंस पढ़ोगे बच्चों, एक्चुअल में रिएक्शंस करोगे तुम। जब तुम 11th 12th कॉलेज में तुम्हारी जब चालू हो जाएगी, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स करने भी देंगे तुम लोगों को। रिएक्शंस हो रहे हैं हर एक सेकंड में बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन तुम्हारे बॉडी में चल रहे हो, जिसके वजह से तुम सांस ले पा रहे हो, जिसके वजह से तुम खा पा रहे हो, जिसके वजह से तुम सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो, कर पा रहे हो, हंस बोल पा रहे हो। तो ये सब बच्चा तुम्हारे अंदर बॉडी में रिएक्शंस होता है। अब कैसे रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से, तो यही सब तो पढ़ाई हमको करनी है। इसके लिए काफी इंटरेस्टिंग है ये सब, तुम दोनों बारे में जानोगे, तुम खुद को जानोगे, खुद से खुद को पहचानोगे, इसलिए केमिस्ट्री इतना विशेष हो जाता है, इसलिए केमिस्ट्री इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, ठीक है, और इजी भी हो जाता है। क्लियर बेटा? इतना लिख लो, कब प्यार हुआ मैं तुमको बताता हूँ। बच्चों नमक खाते हो सब? नमक खाते हो ना सब? NaCl बराबर की नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम से और क्लोरीन से। बच्चों सोडियम इतना हलचल वाला आदमी है, अगर ये पानी के साथ आ जाए या ऑक्सीजन के साथ भी आ जाए, इतना गंदी तरह से रिएक्ट करता है ना, इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करता है। मुझे आज भी याद है मेरे दोस्त के अपने हाथों में सोडियम गिर गया था, उसको छाले छाले हो गए थे, उसकी जिंदगी खराब हो गई थी उस दिन के लिए। इतना खतरनाक ये एलिमेंट है सोडियम, बराबर। ऑब्वियसली वो कैल्शियम के साथ रखा जाता है, ऑल दिस थिंग्स, सब भी रीजन मैं बताऊंगा तुमको, लेकिन सोडियम बहुत खतरनाक है, एकदम 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 खतरनाक है, एकदम खतरनाक वॉयलेंट। अब ये क्लोरीन है बच्चों, ये पॉइजनस गैस है, ग्रीनिश पॉइजनस गैस, इसको वर्ल्ड वॉर टू में यूज किया गया था, ठीक है। लेकिन ये जब दोनों मिलते हैं तब बनाते हैं नमक, नमक नमक बनाते हैं, और ये नमक हम खाते हैं हर रोज। कितनी ब्यूटीफुल चीज है बच्चा, सोचो ना, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उससे बनता है पानी। ऑक्सीजन क्या करता है, कंबस्ट करता है कुछ, उसको बर्न करने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, किसी भी चीज को, इससे बर्निंग रिएक्शन होते हैं, लेकिन जब मिला दिया जाए तो अपने को वाटर मिलता है,
और वाटर तो अपन पीते हैं रोज, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात हो गई बच्चों ये। तो चीजें पहले बहुत डेंजरस थी, लेकिन जब साथ में आ जाती है तो एक कपल बन जाता है, और कपल बनने के बाद कितना मस्त अपने को खाना वाना देता है, समझ रहे हो बच्चों? इसीलिए केमिस्ट्री से मेरे को बहुत लगाव है, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, अलग अलग रिएक्शन से अलग अलग चीजें होती है, अलग बातें होती है, तो बड़ी मजेदार चीजें होती है। अब तुमको थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे इस साल। बच्चों तो हम इस साल बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली है, जैसे पहले दो चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसे जैसे टाइम जाएगा हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड केमिस्ट्री, फिर हम एटम के अंदर जाएंगे, फिर हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, फिर बच्चों हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, हम बॉन्डिंग देखेंगे कि एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग कैसे होती है। अच्छा पानी वाटर है, अच्छी बात है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट है वो, इस तरह से होता है। अब इस तरह से भी कौन से एंगल पे होता है, किस तरह से होता है, वो सब बातें हम देखेंगे। मॉलिक्यूल्स के अंदर हम जाएंगे थोड़ा सा, बराबर कि नहीं, जैसे अमोनिया है NH3, तो वो कैसे प्रेजेंट होता है, किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो वो सब बातें हम देखने वाले बच्चों डिटेल में। तो ये तो मैं तुमको ऐसे बता रहा हूँ, फिर हम बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर बम कैसे बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे बनता है, एक न्यूक्लियर विस्फोट कैसे होता है, छकना चूर लार लार जब पड़ती है, तो वो सब बातें भी हम देखेंगे केमिस्ट्री में। फिर हम ये भी देखेंगे कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स, किसको बनाते कैसे है, किस तरह से हम करते हैं। फिर हम अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे, भयंकर भयंकर रिएक्शंस देखेंगे। तुमको मैं अब केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो रिएक्शन तो डेफिनेटली बताऊंगा तुमको, तो मैं नेट से सर्च करके या किधर से भी कैसे भी करके तुमको अलग अलग रिएक्शन बताऊंगा, तो काफी तुमको मजेदार लगेगा केमिस्ट्री। तुमको केमिस्ट्री पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम एक्चुअल में रिएक्शन देखोगे और केमिस्ट्री से तुमको डेफिनेटली प्यार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है ये क्या क्या पढ़ने वाले तुम लोग?